नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग जोन में। तो किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर तो चलाते ही होंगे। कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्टर में जो उपकरण होता है वो कभी जल्दी जुड़ जाता है तो कभी टाइम लेता है। टाइम क्यों लेता है, ऐसा क्यों होता है, और इन सभी की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपके टाइम और ईंधन दोनों की बचत होगी। आपका ट्रैक्टर डीजल कम लेगा, ज़्यादा जुताई करेगा, स्लिपेज भी कम लेगा, इम्प्लीमेंट सही से जुड़ेगा तो सही खिंचाई होगी ट्रैक्टर की। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट जोड़ना है। उपकरण कैसे जोड़ें, तो सबसे पहले तो आप उपकरण को समतल ज़मीन पे रखिए, जिससे क्या होगा कि समतल ज़मीन पे रखने से इम्प्लीमेंट बिल्कुल आसानी से जुड़ जाएगा। अब आप ट्रैक्टर को उपकरण की ओर ले आएं और थ्री पॉइंट लिंकेज जोड़ें। अब बाईं ओर के निचले लिंक को उपकरण से जोड़ें। चंद बकल एडजस्टमेंट के उपयोग से टॉप लिंक को उपकरण से जोड़ें और लिंच पिन लगाएं। चन बकल के उपयोग से दाईं ओर के निचले लिंक को उपकरण में जोड़ें और लिंच पिन लगाएं। अब दाएं और बाएं लिंक की लंबाई एक हो ये सुनिश्चित कर लें, इससे आपका उपकरण जमीन से समांतरण रहेगा। चेक चैन की मदद से उपकरण को हिलने डुलने से नियंत्रित किया जा सकता है। चंद बकल व्यवस्था की मदद से हिलना डुलना बढ़ाया या घटाया जा सकता है, जिससे उपकरण 1.5-2 इंच से अधिक ना हिले। अब टॉपलिंग और चैन चेक प्लेट को लॉक कर दें। अब आपका ट्रैक्टर चलने के लिए तैयार है और आप इससे अधिक डीजल बचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की हमारी ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल फार्मिंग जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।